भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बताओ, सर से पूछकर शर्त लगाई थी? हाँ सर, मैं कई बार इसे इसकी हैसियत समझाता हूँ, लेकिन ये समझता ही नहीं है। इसे समझा चुका हूँ कि अपनी औकात के हिसाब से काम करना चाहिए। भीमराव, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो सोच समझकर सही और उचित फैसले लेते हैं, और दूसरे वे जो पहले फैसले लेते हैं और फिर पूरी जान लगा देते हैं उन फैसले को सही साबित करने में। अगर तुम्हें दूसरे किस्म का व्यक्ति बनना है तो खुद के बल पे बनो। मदद मांगने से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे फैसले को सही साबित नहीं कर सकता। वाह, धन्य हैं आप सर। कितना कुछ आपसे सीखना है मुझे। आपका व्यक्तित्व सर, ये आमंत्रण पत्र प्रचंड देव जी और साहिब ने आपके लिए भेजा है सर। किस बात का आमंत्रण? तो मेरे और इस भीमराव के बीच में जो मैच होने वाला है, उस मैच में जीत के बाद एक जश्न का आयोजन है। आप ये आमंत्रण स्वीकार करें और वहां आए। नरोत्तम जी, अभी तक खेल हुआ नहीं है, तो खेल उसकी जीत और जीत के बाद के जश्न की बात मत कीजिए। टोक दिया। कितनी बार समझाया है कि टोका मत करो भीमराव। और रहा सवाल हार और जीत का, तो वो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन तुमने क्रिकेट की चुनौती को स्वीकार किया था। अब बस परिणाम आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। वैसे एक बात तुम दोनों से कहनी थी। वो दरअसल तुम दोनों को काम पे मैं एक साथ नहीं रख सकता। लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा था किसे हटाऊं। अब तरीका मिल गया है। जो इस मैच में जीतेगा यहां काम करेगा, और जो हारेगा उसकी छुट्टी। जो हारेगा उसकी छुट्टी। जो हारेगा भीमराव उसकी छुट्टी। सुना, कमाल है भीमराव। एक ही मैच में चौल, जॉब, सब दाव में। अच्छा है, एक ही दाव में तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी और मुझे सारी खुशियां मिल जाएंगी। नहीं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा पैसों से। तुम्हारे पति भीमराव ने मुझसे पूछ के इस खेल की चुनौती स्वीकार की थी क्या? मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि चुनौती उन्होंने नहीं, मैंने स्वीकार की थी। सेठ जी, अगर आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी तो हमारा भला हो जाएगा। दीदी, इन्होंने तो पहले भी मदद नहीं की थी, अब क्या मदद करेंगे ये? क्या भला हो जाएगा? जीतेगा तो है नहीं भीमराव। ऊपर से अगर मदद करूंगा तो वो पैसे भी गए, और व्यवसायी हूँ, नफा नुकसान देख के ही कोई काम करता हूँ। ठीक है सर, अब हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। लेकिन आपने ये गलत कहा कि मेरा पति चुनौती नहीं जीत पाएंगे। अपने पति पे विश्वास करना
अलग बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास रखना गलत है। एक पत्नी का विश्वास हमेशा आत्मविश्वास जैसा ही लगता है, लेकिन आप यकीन रखिए, मेरे पति अगर ये चुनौती हार गए ना, तो मैं यहाँ काम करने वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे ऐसा मैंने कब कहा? सेठ जी, विश्वास की परख करना शर्त के आधार पर ज्यादा सही होता है, और यह शर्त बस आपके और मेरे बीच की है। चलिए दीदी, अपना अपना काम करते हैं। इधर आइए। जी कहिए। बैठिए। और सब ठीक? वो आपका बेटा है दीपक, उसे जरा समझाइए, ये किरकट पिरकट के चक्कर में ना पड़े, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो कैसे है ना कि छोटा है आपका बेटा, अगर चोट वोट लग गई खेलते खेलते तो क्या करेंगे आप? अभी अभी तो इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर आया है। माँ है आप, आपको तो सोचना चाहिए ना। और ये भी सोचिए कि बड़े लोग हैं ये, इनसे थोड़ी जीतेंगे हम, है ना? और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि भीम जीते। जीते या ना जीते जीजा भाई, लेकिन आप क्यों चाहती हैं कि भीमराव हार जाए? इससे आपका क्या फायदा होगा? मेरे पति को तो देखा ही होगा आपने, वो कभी एक अच्छे पति नहीं बन पाए, पूरी तरह से बेटे को समर्पित, हर वक्त बेटे की माला जपते रहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भीम हारे और उनका भ्रम टूट जाए, और समझ में आए उन्हें कि भीम के अलावा भी उनके जीवन में कोई है। अब आप पूछ रही थी ना मेरा क्या फायदा, तो क्या सही क्या गलत ये सब नहीं सोचती हूँ मैं, आप भी मत सोचिए। जाइए, काम कर रही थी ना, जाइए। जीजा भाई, कुछ खाने को है तो दो। देती हूँ, लेकिन अभी का ही है, शाम के लिए नहीं बचेगा फिर। आई को वैसे इतने दिनों से आप काम पर क्यों नहीं जा रहे, कोई दिक्कत है? आपको तो पता है ना, पेंशन के पैसे महीने के आखिर तक नहीं बचते। मैं कुछ देखता हूँ। कुछ देखता हूँ का क्या मतलब? क्या देख लेंगे आप? यहाँ बैठकर बेटे का खेल देखेंगे, उसका हिसाब करेंगे, भीम जीतेगा या हारेगा, जीतेगा या हारेगा, ऐसे से घर नहीं चलता। मत दो खाना। और हाँ, मेरे हिस्से का बचा हुआ खाना वो भी तुम खा लेना शाम को। मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे खाना मांगने आया, जा रहा हूँ काम ढूंढने। बस भीम हार जाए, उसके हारने के बाद लड्डू ना बांटे ना, तो नाम बदल दूंगी खुद का। मुझे लगता है हितेश काका, जनार्दन काका और जोकू काका, ये लोग बल्लेबाजी अच्छी कर लेंगे, और अपने नटवर भाऊ गेंदबाजी अच्छा कर लेंगे, और अपने सखाराम भाऊ वो
बल्लेबाज के पीछे वो रहते हैं ना गेंद पकड़ने के लिए, विकेट कीपर। हाँ, उसे यष्टि रक्षक कहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो गेंद अच्छी पकड़ते हैं और अपना दीपक भी गेंद अच्छी पकड़ लेता है। ठीक है, सही है। लेकिन बाला भैया, हम सब लोग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों क्यों नहीं कर सकते है? ए, हर कोई हर चीज थोड़ी कर सकता है। बाला ने कुछ देखकर ही बताया होगा कि कौन क्या कर सकता है। नहीं नहीं काका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई हर चीज कर सकता है, चाहे वो क्रिकेट हो, जीवन हो या कोई और मैदान। लेकिन अभी बस हमारे पास समय कम है, इसके कारण जरूरत के हिसाब से हम तय करेंगे कि किसे क्या अच्छा आता है। इसका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भीम, हम तो यही तुमको समझाते आए हैं कि जरूरत के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। और तुम्हारी जरूरत कमाने की है, न कि पढ़ाई करने की। हितेश काका, आपको नहीं खेलना तो मत खेलो, लेकिन ऐसे बेकार की बातें मत कीजिए आप। रमा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। फिर ठीक है, बाला भैया ने जैसे कहा है वैसे ही करेंगे। आपको जो अच्छा आता है उसकी प्रैक्टिस कल से और अच्छे से करेंगे। हाँ, लेकिन भीम, हम अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास करने के लिए वो बल्ला नहीं है, गेंद भी नहीं है, और उसके बिना हम कैसे करेंगे अभ्यास? हो जाएगा, कल तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, अभी सो जाइए। भीम, अभी भी कुछ खिलाड़ी कम पड़ रहे हैं। हो जाएंगे। ठीक है, मैं निकलता हूं, कल सुबह आ जाऊंगा। बाला भैया, आज की रात यही रुक जाइए ना। नहीं भीम, रुक जाइए ना बाला भैया, ये समझकर रुक जाइए कि आप मुझसे क्रिकेट की बातें करेंगे, हम दोनों मिलकर खेल की रणनीति बनाएंगे। भीम, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, और मेरा परिवार यही तो है। लेकिन क्या करूं, रहन दो, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। उल्लास जी, उस चाल की जगह आपकी इमारत पक्की बनेगी, देख ले रहा आप। इस बात पर एक एक जहां हो जाए, एक एक क्यों, दो दो पिएंगे। लीजिए प्रशांत देव जी। जश्न मनाया जाए। साहब, हितेश, क्या खबर लाए हो? मालिक, वो बाला और भीम मिल करके वो बल्ला पकड़ने वाला, गेंद फेंकने वाला, और वो बल्ला पकड़ने वाले के पीछे में जो खड़ा रहता है गेंद पकड़ता है, वो सब बांट दिया। लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी कम पड़ गए हैं। कुछ खिलाड़ी कम पड़ रहे हैं, तो जो है उनमें से और कम करके क्यों ना भीम की परेशानी को और बढ़ाया जाए। उल्लास जी, आप कुछ नया सोच रहे हैं। ये ले हितेश, इसमें अभी और बची है, पी ले इसे। पी ले, पी ले।
अब ये बोतल ले जा और वो विकेट कीपर है ना विकेट अरे भाई जो बल्लेबाज के पीछे गेंद पकड़ने के लिए खड़ा होता है ना उसके हाथ पे ले जाके फोड़ दे घायल हाथों से क्या वो गेंद पकड़ेगा और क्या वो खेलेगा समझा समझ गया मालिक प्रणाम प्रणाम भला जी कमाल है आप मुझे लोगों की एक बात समझ में नहीं आती है लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मदद करने की बात आती है तो कतराता है क्या हुआ मैंने अपने सेठ जी से बात की मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मुझे गेंद खरीदनी है तो उन्होंने कहा यही कहा होगा ना कि तुम लोगों ने मुझसे पूछकर क्रिकेट की चुनौती को स्वीकार किया था क्या आगे ये भी कहा होगा विश्वास के साथ कि तुम सब पक्का ये खेल में हार जाओगे हाँ और ये चीज आपको कैसे पता क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारी मदद नहीं की है और मेरे वकील साहब ने भी यही कहा और ये भी कहा कि अगर हम इस मैच में हार जाते हैं तो वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे मैंने भी अपने सेठ जी से यही कहा है कि अगर हम ये चुनौती हार जाएंगे तो मैं काम पर नहीं आऊंगी मैंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है इस चुनौती के साथ सखाराम काका काका ओ दिखाइए कोई बोतल फोड़ के वो भाग गया दिखाइए ये का चटाई है धीरे
ये क्या हुआ? और इसके हाथ की हालत ऐसी, किसने की? पता नहीं कौन था, हाथ पर बोतल फोड़ के भाग गया। अरे और कौन हो सकता है, प्रचंड और नरोत्तम के ही आदमी लोग होंगे। अरे लेकिन अब काका तो खाओ बिकट बिकट के पीछे गेंद कौन पकड़ी, और साथ में एक खिलाड़ी की कमी भी हो गई, इसकी जगह खेलेगा कौन?